बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है चिकन तवा पीस। सबसे पहले इसके लिए मुर्गी को मैरिनेट कर लेते हैं। एक प्याला मैंने ले लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ दही 2 से 3 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच। मसालों में सबसे पहले मेरे पास है धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर भी आधा चाय का चम्मच। ये सारे मसाले भी इसमें डाल देंगे। इन सारे अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। सारे अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। मुर्गी का 1/4 हिस्सा लिया है मैंने, सीने वाला हिस्सा लिया है और इसमें ये देखें गहरे कट्स लगा लिए हैं मैंने। अब इस मैरिनेशन को मुर्गी पे अच्छी तरह से लगा देंगे कट्स के अंदर तक। मैरिनेशन मुर्गी पे अच्छी तरह से लग चुकी है। अब इसको ढक के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर तवा रखा है। 1 खाने का चम्मच तेल, 4 से 5 मिनट हम ऐसे ही दरमियानी आंच के ऊपर इस मुर्गी को पकाएंगे। 4-5 मिनट के बाद इसको पलट देंगे। बाकी की बची हुई मैरिनेशन इसके ऊपर डाल देंगे। और ऐसे धीमी आंच के ऊपर पकाएंगे इसको। तकरीबन 10 मिनट हो गए। एक दफ़ा फिर से पलट देंगे इसको। और थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा पक जाए। गल गया हमारा, बस थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। तवा चिकन पीस हमारा तैयार हो गया है। अब मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ। अब इस पीस को कोयले का धुआं देना है। उसके लिए मैंने कोयला दहका लिया है। एक स्टील की कटोरी रखी है मैंने, इसमें ये कोयला जो दहकाया है वो रखेंगे और इसके ऊपर चंद कतरे तेल के डाल के इसको ऊपर से ढक देंगे और 4-5 मिनट इसको कोयले का धुआं देंगे। तकरीबन 4 मिनट हो गए। कोयले को मैं इसमें से निकाल रही हूँ और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन तवा पीस अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ेदार झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।